दोस्तों 80 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी खूबसूरत अदाकाराएं आई जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें बहुत कम अदाकाराएं ऐसी थी जो कामयाब हो सकी, क्योंकि ये वो दौर था जब बबरा शरीफ, शबनम, अंजुमन, नादरा, मुमताज, निशो, नाजली वगैरह फिल्म इंडस्ट्री पर छाई हुई थी और उनके होते हुए नई अदाकाराओं का मकाम बनाना खासा मुश्किल था। इसलिए बेपनाह खूबसूरती और टैलेंट होने के बावजूद अतीका ओडू, शगुफ्ता, सोनिया खान, नाजिया हफीज और नादिया हसन वो मकाम न पा सकी जिनकी वो हकदार थी। ऐसी ही एक खूबसूरत अदाकारा का नाम सितारा भी था जिसने 32 फिल्मों में काम किया लेकिन कभी टॉप क्लास हीरोइन न बन सकी। सितारा इतनी खूबसूरत थी कि उस दौर के बहुत से सीनियर कैमरामैन्स का ये कहना था कि कैमरा सितारा का मुकम्मल हुसन कैप्चर नहीं कर सकता था। वो एक बहुत बासलाहियत डांसर भी थी, इसके बावजूद कभी सफेवल की हीरोइन न बन सकी, जिसकी वजह ये थी कि दूसरी नौआमोज अदाकाराओं की तरह सितारा भी स्टार सिस्टम का शिकार हुई और दूसरी मकबूल हीरोइंस के होते हुए फिल्म हिदायतकार उसे लीडिंग रोल्स में कास्ट करने से हिचकिचा रहे थे और यूं वो कभी टॉप क्लास हीरोइन न बन सकी। सितारा 1964 को लाहौर में पैदा हुई। उसके बाप का ताल्लुक पेशावर से जबकि माँ लाहौर के रहने वाली थी और दोनों ने पसंद की शादी की थी। सितारा की फैमिली का कोई शख्स शोबे से वाबस्ता नहीं था, लेकिन पहली बार उसकी बड़ी बहन शमसा कवल ने बतौर गुलोकारा के फनी जिंदगी का आगाज किया और कई खूबसूरत और मशहूर गीत गाए। अगरचे शमसा कवल खुद भी बहुत खूबसूरत थी और उसे कई फिल्मों और ड्रामा सीरीज में काम की भी ऑफर्स हुई, लेकिन वो गुलोकारी ही करती रही। बाद में शमसा कवल ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर हुसैन से शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा देर तक न चल सकी और दोनों में अलहदगी हो गई। सितारा 1984 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म दिल मादा से डिब्यू किया। स्टार कास्ट पर मबनी ये फिल्म ज्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। 1985 में सितारा की दूसरी फिल्म डायरेक्ट हवलदार रिलीज हुई और गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म के बाद सितारा को कास्ट किया जाने लगा। 1986 में सितारा की दो फिल्में फर्स्ट ब्लड उर्दू जबकि नया तूफान पंजाबी फिल्म थी। यही वो दौर था जब सितारा को एक बासलाहियत अदाकार और डांसर तस्लीम किया गया और अगले साल 1987 में उसकी 10 फिल्में रिलीज हुई जिनमें 5 पंजाबी, 4 उर्दू और 1 पश्तो फिल्म शामिल थी। पंजाबी फिल्में जुगनू, सिलसिला, दुलारी, जानबाज जबकि उर्दू फिल्में दीवार, निजात, इकरार और मेरी आवाज, जबकि पश्तो फिल्मों में एतबार और दजवन बाजी वगैरह शामिल है। दौर सख्त मुकाबले का दौर था। एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री में बबरा शरीफ, मुमताज, अंजुमन, शबनम, संगीता, कविता, निशो जैसी सीनियर हीरोइंस मसरूफ अमल थी तो दूसरी तरफ नादरा, नीली, सोनिया खान, शगुफ्ता, नादिया हसन, नाजिया हफीज जैसी नई अदाकाराएं भी मकाम बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ थी। इसलिए सितारा को सफेवल की हीरोइन बनने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी। 1987 की उर्दू फिल्म इकरार में वो इस्माइल शाह और दुर्दाना रहमान के साथ लीड रोल में कास्ट हुई थी, जबकि 1988 में वो एक बार फिर 5 फिल्मों में नजर आई जिनमें 2 उर्दू, 2 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म शामिल थी। इंतहा, किस्मत वाला उर्दू, चन पंजाब दा, अल्लाह दात पंजाबी जबकि खान बदमाश पश्तो फिल्म थी। 1989 में सितारा 4 फिल्मों में नजर आई। ये चारों पंजाबी फिल्में थी, आखिरी कत्ल, बिलावल, खुदा बख्श और खुदा खैर। 1990 में सितारा 6 फिल्मों में नजर आई और ये तमाम फिल्में पंजाबी थी जिनके नाम गोरी दैया जांजरा, लोहा, जुर्रत, खतरनाक, मक्कन गुज्जर और चंद बदमाश थी। 1991 का साल सितारा के फिल्मी कैरियर का आखिरी साल साबित हुआ और उसकी इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई, मेरी जंग और शेर अफगान पंजाबी जबकि शीनो गई पश्तो जुबान की फिल्म थी। इसी
1982 साल सितारा ने एक फिल्म टेक्नीशियन पप्पू के साथ शादी करके फिल्म लाइन को खैरबाद कह दिया और अपने शोहर के साथ पेशावर मुंतकिल हो गई। लेकिन शादी खान आबादी की ये खुशियाँ सितारा को ज्यादा रास नहीं आई और शादी के सिर्फ 6 माह बाद उसके शोहर पप्पू खान को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया और वो पेशावर छोड़कर वापस लाहौर आ गई। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखा और बाकी मानदा जिंदगी तन्हाई और गुमनामी में गुजार दी। सितारा ने अपने 7 साल फिल्मी कैरियर में 33 फिल्मों में काम किया, जिनमें 19 पंजाबी, 10 उर्दू जबकि 4 पश्तो जुबान की फिल्में हैं। उसकी बहन शमसा कवल ने उसे टॉप हीरोइन बनाने के लिए उसे मरकजी किरदार में लेकर एक पंजाबी फिल्म नया तूफान के नाम से बनाई, जिसके हिदायतकार उसके शोहर अल्ताफ खान थे, जबकि फिल्म साज शमसा कवल खुद थी। लेकिन ये फिल्म नाकाम रही और सितारा कभी टॉप हीरोइन न बन सकी। अलबत्त सपोर्टिंग किरदारों और डांस में उसे हमेशा पसंद किया गया। दोस्तों, इस तरह की मालूमाती वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।